चिल्लाओको आमा बहिनी लाल की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग्स में। तो आप लोगों को सबसे पहले राधे राधे मेरे तरफ से, और मेरे जितने भी नए व्यूअर्स होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, और जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेंजर के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। तो आप लोग ने मेरा थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि मेरा आज का ये ब्लॉग्स वीडियो भक्ति भजन संगीत का है। तो आप लोग जरूर इंजॉय करेंगे इस ब्लॉग्स वीडियो को। सो इंजॉय। खिचड़ी खाया? यो कलि युगमा एकजना अनन्य भक्त हाम्रो सर गोपाल सरजी लाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अलिकति आजको यस यति महान छन् महान तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण जो आफ्नो एउटा अद्भुत एउटा लीलादायी प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको सन्दर्भमा एक दुई विचार हाम्रो सम्मुखमा राखिदिनु भने म उहाँलाई हार्दिक निवेदन गरिरहेको छु। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, इस पवित्र स्थान की। धन्यवाद। जो संस्कृत का श्लोक है जिसको हमें एक एक शब्द को आधा हमें लगाउन जानु हो भने हामीले भगवत गीता में भएको ज्ञान जति छ संपूर्ण रूप हमें प्राप्त गरेर हामी सनातन धर्म को हाम्रो हिन्दू धर्म को एवं हामीले यस पृथ्वी लोक में मानिस मात्र बनाउनु धर्म भनेर बताइएको छ। त्यसको पूर्ण ज्ञान हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसर्थ हामीले श्रीमद् भगवद् गीता को प्रतिदिन वाचन पाठ गर्ने अनि भगवान श्री कृष्णको प्रतिदिन उहाँलाई फूल प्रसाद जल आदिहरूले उनको सेवा गर्ने हामीले नियमित रूपमा एउटा रुटिन अर्थात् दैनन्दिनी बनाउन सकेछौँ भने भक्त हुनुहुन्छ, उनको पनि गुरु महाराज वृन्दावनको हुनुहुन्छ। र यहाँ आज यस्तो एउटा संयोग भयो कि हामी ठिक बाटोमा यहाँ नारायण भाइसँग हाम्रो भेट भयो। नारायण भाइले हामीलाई भन्नुभयो नि आउनु एकछिनको लागि भयो भने आउनु यहाँ नारायण भाइले एकछिनले निम्तो गर्नुभयो। अन्त हामीले नि सोच्यौँ होइन, जब भनेछ यत्रो रिक्वेस्ट गरेर नम्रतापूर्वक बिन्ती गरेर भन्दैछ त हामीलाई जानु उचित हो, विशेष गरी भगवान् श्रीकृष्णको अनुष्ठान भनेर हामीले आफ्नो व्यस्तताको बिचमा पनि समय धेरै छन्। तर यस्तो प्रकाशको सत्प्रयास देख्न पाइँदैन सब जग्गा। र तपाईँहरू यहाँ चिया कमानका जमुटिया चिया कमानका वासीहरूलाई आजको भजन सन्ध्याला आज राम्रो, आज पवित्र, आज मनोरञ्जन गराउनको लागि हाम्रो पडोसी भनौँ न अब हाम्रो एउटै परिवारको आमा बहिनी दिदी दाजु आउनुभएको छ हाम्रो प्राङ्गणमा। हामी उनीहरूलाई सम्मानित गर्दै तिलक लगाउँदै आसन दिउँ होला यो जग्गामा भजन कीर्तन गर्नुको लागि। सबैले जयकारा लाउनु, कृष्ण कन्हैया लाल की। जति पनि मेरो चिचिलाको आमा बहिनी दिदी भाइ हुनुहुन्छ सबैलाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Oh, my God.
कृष्णाय वासुदेवाय हरे हो परमात्मने प्रणथकरेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण ताली बजाएर अलिक उत्साह वर्धन गरिदिनुहोस्। हाम्रा डिमा डिभिजनका हाम्रा एसिस्टेन्ट म्यानेजर सरहरू हुनुहुन्छ, र हाम्रो रामकिशन झा सरजी, बाल गोपालजीको झुल्ला झुला रहे, दर्शन कर रहे, और टीका लगाने के लिए मैं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा और खदा भी लगा के आप लोग उनका स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे डीमा से आए हुए माननीय मानिक बाबूजी, हमारे डीमा से आए मानिक बाबूजी को भी मंदिर प्रांगण में आने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। इसी क्रम में हमारा गांगुटिया का सीनियर र हाम्रो काली मन्दिर कमिटीका हाम्रा प्रमुख आदरणीय सोमबहादुर सार्कीज्यूलाई पनि अगाडि बाल गोपालजीको दर्शन गर्ने सौभाग्यलाई प्राप्त गर्नु भन्ने निवेदन गरिरहेको छु। यस कार्यक्रममा सकारात्मक एउटा हामीलाई विचार दिइरहनु भएको थियो र यसै क्रममा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख उपवास राख्नुहुने र यो कार्यक्रमको जसको दिमागमा यो कार्यक्रम पहिला भगवान कृष्णले फिट गरिदिनु भयो र आज यस कार्यक्रमका प्रमुख जजमान आदरणीय भाउजू कोशिका विजयज्यूलाई पनि अगाडि आएर आजको सम्मान लिदिनु भन्ने निवेदन गर्छु। हुनु त यो कुनै सेड्युलमा थिएन, तर पनि मैले एउटा भनिदिएको कारण उहाँकै ब्रेनमा यो कार्यक्रम यो पालि फलेको हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गाउँ समाजमा बसेर यस्तो पोजिटिभ कुरोहरूलाई, राम्रो कुरोहरूलाई अगाडि ल्याउने व्यक्तित्वलाई यसरी चाहिँ आजै गर्दैछु, हेर्छु हो। राधा रानी सरकार की।
Thank you.
फ्रेंड्स, आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा मेरा ये ब्लॉग के माध्यम से जो भजन आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे होंगे। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज कमेंट्स लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने मेरा ये जो भक्ति भजन संगीत था आप लोग ने जरूर इंजॉय किए होंगे। तो लोग इस ब्लॉग्स के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल बटन में क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी ऐसा भक्ति भजन संगीत ब्लॉग्स वीडियो हुआ, फुटबॉल का ब्लॉग्स वीडियो हुआ और मेरा लाइफ स्टाइल का ब्लॉग्स वीडियो हुआ और भी दूर के जो मैं अच्छा से जगह में जाके एक्सप्लोर कराता हूँ उसका ब्लॉग्स वीडियो हुआ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। और आई होप आप लोग ने जरूर इंजॉय किए होंगे। और जो ये आज का जो भक्ति भजन ये संगीत का जो ब्लॉग्स था ये हमारे गाँवटिया डिमाउट न्यू लेन में था, इस साल फर्स्ट टाइम है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ने जरूर इंजॉय किए होंगे आज का ये ब्लॉग्स वीडियो को भी। तो मेरे तरफ से एक बार फिर आप सभी लोगों को राधे राधे और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। तो ऐसे ही मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।